क्या अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच अब शुरू होने वाली है और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच शुरू होने से पहले मोदी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि गौतम अडानी का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और सीधे सीधे तौर पर अडानी मुद्दा जिस तरीके से चर्चाओं में बना है उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। माना यह जा रहा है कि अडानी मुद्दे की वजह से 2024 में बीजेपी को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो ये जानती है कि यही मुद्दा उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। हालांकि अडानी मुद्दे को दबाने के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, विपक्ष पर छापा मारा गया, विपक्षी नेताओं की धरपकड़ की गई, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। अपने दर्शकों को ये बता दें कि अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी और हमलावर हो गई है। इसके साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ सुर से सुर मिला रही है। तो वहीं गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अडानी शेयर्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं। गौतम अडानी के खिलाफ जिस तरीके से हल्ला बोला गया है खुद अडानी भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे वो खुद को बचाए। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त की बनी है, कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त के बने हैं वो ये है कि अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच अगर शुरू होती है तो मोदी सरकार फंसती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अडानी की कंपनियों में पैसा किसी और का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इसीलिए जेपीसी जांच नहीं हो रही। राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी भी इसीलिए गई क्योंकि राहुल गांधी ने अडानी और मोदी से जुड़े तमाम सबूतों को संसद में रखा था। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो तस्वीर अभी की निकल कर सामने आई है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि शायद आने वाले वक्त में अडानी के साथ साथ मोदी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। SBN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।